गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो थोड़े व्यस्त चल रहे थे। तो आज हम करेंगे 30 जनवरी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और जो मैं दो चार वीडियो अपलोड नहीं कर पाया वह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो बिना देरी ना किए हुए आज के हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। और इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट वीडियो में। जैसे मैंने कहा कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, तो वो कमेंट किया बच्चों ने, तो बहुत अच्छा लगा। और आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की आत्मकथा का विमोचन किया गया है, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो बेटा, जैसे कि आपके सामने है, इनकी आत्मकथा है रिलेंटनेस, ठीक है, याद रखना। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ सकते बेटा कि इसका जो इस बुक को रिलीज किसने किया है? तो इसको रिलीज किया है हमारे देश के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, सॉरी एक्स नहीं आएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसको रिलीज किया है, याद रखना। एक और यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने एक बुक लिखी हुई है माइंड मास्टर, तो आपसे पूछ सकते हैं कि माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो बेटा, ये हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और यशवंत सिन्हा जी की अभी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2020 का टाइलर अवार्ड दिया गया है? तो बेटा, टाइलर अवार्ड मिला है पवन सुखदेव को। किसे मिला है? पवन सुखदेव। कमेंट करके बताना है टाइलर अवार्ड का संबंध किस फील्ड से है, और आपने ये जरूर बताना है कि टाइलर अवार्ड का संबंध किस फील्ड से है। नेक्स्ट, हाल ही में सेलिंग वर्ल्ड कप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखना, नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन, आपने ये भी बताना है नेत्रा कुमानन कौन सा खेल खेलती है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन का अम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटा, सभी को पता है कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर हो गया था, और उसे बोला गया ब्रेग्जिट, ठीक है। और इस बार जो राजदूत यानी कि अम्बेसडर बने हैं वो है जो आओ वले डी अल्मेडा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो। थोड़ा सा टिपिकल नेम है, याद रखना मुश्किल होगा, ठीक है। और अगर पूछे कि ब्रिटिश एग्जिट में कौन सा देश बाहर हुआ था, तो ब्रिटेन बाहर हुआ था। और कमेंट में ये बताना है यूरोपियन यूनियन के एट प्रेजेंट कितने कंट्री मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉम के वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला कौन सा शहर है? तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है बेटा बेंगलोर में। किसकी कैपिटल है ये? बेटा कर्नाटका की कैपिटल है। बेंगलोर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। कौन सी सिटी? स्पेस सिटी एंड गार्डन सिटी भी बोला जाता है। कौन सा सिटी बेटा? गार्डन सिटी। नीचे चार तीन ऑप्शन हो रहे, दिल्ली, बॉम्बे और पुणे। तो बेटा, यहां पर भी ट्रैफिक के हालात काफी खराब है, और मैं आपको बता दूं दिल्ली, मुंबई और पुणे भी टॉप 10 में आए हैं। तो हमने नंबर 1 पढ़ लिया है बेंगलोर है, तो आपने कॉमेंट में बताना है दिल्ली का कौन सा नंबर है, मुंबई का कौन सा नंबर है, और पुणे का कौन सा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा को उनके किस बुक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना है उन्हें मिला है बिकमिंग के लिए। किसके लिए बेटा? बिकमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो बेटा, ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कमेंट में बताना है ओडिशा के सीएम और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2019 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो बेटा, ये है ऑप्शन नंबर 3 यानी के संविधान यानी के कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चुना गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा, और इन दिनों में आपने न्यूज में लगातार देखा होगा कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां पे पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला गया बेटा भुवनेश्वर में। कहां पर बेटा? भुवनेश्वर। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई टेनिस संघ का आजीवन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बेटा ये बनाया गया है अनिल खन्ना को। किसे बनाया गया है? अनिल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओला ने किसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है संजीव सैडी को। ठीक है बेटा, किसे? संजीव सैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? तो ये बेटा गांधीनगर में किया जाएगा, और गांधीनगर कहां पर है? गुजरात। और आपने बताना है गुजरात के सीएम कौन है और गुजरात के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कृषि में हरित रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो बेटा ये है एन कुमार। प्रश्न ये भी बनता है कि हरित रत्न अवार्ड का संबंध किस फील्ड से है, तो आपने याद रखना है एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉक होम पीस प्राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना, स्टॉक होम पीस प्राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सिप्री का हेड ऑफिस कहां पर है? सिप्री का हेड ऑफिस है बेटा स्वीडन। कहां पर है? स्वीडन। सिप्री के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्याता देश कौन है? ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर पूछा है, तो दूसरा सबसे बड़ा है बेटा वो है चाइना। सॉरी, ये आपने बताना है बेटा कौन सा है। तो मैंने थोड़ा वैसे भी गलत बोल दिया, चाइना नहीं है। मैं आपको बता दूं, नंबर वन मैं आपको बता देता हूं कौन है। नंबर वन है अमेरिका। तो आपने कमेंट करके बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन है। तो बेटा ये थे 30 तारीख के करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं पिछले वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।